मैम आज चैप्टर 5 के शब्दार्थी करने हैं क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। शब्दार्थ तो आप लोगों ने लिख लिए थे पहले, है ना? यस मैम, कर लूंगा। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरु, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपके जो संस्कृत में लिखे हुए इनका हिंदी में आपको अर्थ लिखना है, ठीक है? मेघो लिखी है। हाँ जी, मेघो गर्जतः, मेघो मतलब दो बादल, गर्जतः गरजते हैं, तो दो बादल गरजते हैं इसका लिखा हुआ है। तौ कौ स्तः, तौ कौ स्तः, वे दो क्या हैं? तौ का मतलब क्या होता है? वे दो क्या हैं? वे दो क्या हैं या वे दो कौन हैं? ठीक है। भ्रमरौ गुंजतः, भ्रमरौ का अर्थ हो गया दो भंवरे, गुंजतः गुंजन करते हैं, दो भंवरे दो भंवरे गुंजन करते हैं। नेक्स्ट, वृक्षौ पततः, वृक्षों का अर्थ है दो पेड़, पततः गिरते हैं। सूर्य उदयति, सूर्य यहाँ पर एक है तो सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होता है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इसके फर्स्ट वाले में तो को सत्य, इस वाले में वे दो कौन है ये आएगा ना? क्या है भी लिख सकते हो, कौन है भी लिख सकते हो, वे दो क्या है या वे दो कौन है? ओके मैम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहले हमने किया था संस्कृत से हिंदी में, अब इसमें आपको हिंदी में दे रखा है, हिंदी से संस्कृत में करना है। चंद्रमा उगता है, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रह। उगता है तो बोलते हैं उदयति, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दो बालक गाते हैं, दो बालक को हम क्या बोलेंगे? बालकौ गायतः। क्योंकि यहाँ पे दो बालक हैं, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा गायतः, ठीक है। नेक्स्ट, वे दोनों अध्यापक हैं, वे दोनों को हम क्या बोलेंगे? तौ अध्यापक। बेटे दो को क्या बोलेंगे? वे दो को हम बोलेंगे तौ। दो अध्यापक अध्यापकौ सतः स्तः, तौ अध्यापकौ स्तः। है के लिए आता है, दो जब है होते हैं तो स्तः बोलते हैं उसको, एक होता है तो अस्ति, दो होते हैं तो स्त, और जब बहुत सारे हैं होते हैं तो संति, अस्ति स्त संति, ठीक है। वे दो कौन हैं?
अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, दो किसान जा रहे हैं, दो किसान को हम क्या बोलेंगे? कृषकहु। जब दो जा रहे हैं तो द्विवचन में आएगा गच्छतः, कृषकहु गच्छतः। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है, चित्रों को देखकर क्रिया शब्दों से वाक्य पूरा करें। क्रिया शब्द क्या होता है? जो हम काम करते हैं, है ना? जैसे आप इंग्लिश में जिसको बोलते हो वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जो हम काम कर रहे हैं। हिंदी में क्रिया, जिसे हम खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ, जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो संस्कृत में क्रिया को ही धातु बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हाथी जा रहा है तो गजह चलती, यहाँ पर दो हाथी जा रहे हैं तो गजऊ चलतः, गजऊ चलतः। नेक्स्ट पिकह, एक कोयल है यहाँ पे, तो पिकह कोयल क्या करती है? कूजती, कूजती, कूजती। कोयल एक है इसलिए यहाँ पर एक वचन आएगा, कूजती। अब यहाँ पर दो कोयल है इसलिए पिकऊ, दो कोयल जब कूजती है तो क्या आएगा? कूजता। अब है, चित्र देखकर आपको सेंटेंस पूरा करना है। तऊ कऊ पढ़ता है, वे दो कौन पढ़ते हैं? दो कौन पढ़ रहे हैं? तो तऊ बालकऊ पढ़ता है, वे दो बालक पढ़ रहे हैं। तऊ बालकऊ पढ़ता है, वे दो बालक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तऊ कऊ चरता है, वे दो कौन चर रहे हैं? बोलो कौन चर रही है? मेन बकरी, मेषऊ, भेड़, भेड़ है बेटा, भेड़। तो मेषऊ चरता है, वे दो मेष भेड़े चर रही हैं। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कर्ता तथा क्रियाओं से अधिक संख्या में वाक्य बनाओ। आपके यहाँ पर कर्ता शब्द दे रखे हैं जो काम करने वाला है, यहाँ पर क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, तो इनसे आपको अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे मर जा रहा है बुक में, अभी बुक में करिए बेटा, साइड में लिख लीजिए बुक के। मैम ऐसे बना सकते हैं ना, बाल कऊ पठता है। हाँ, पहले मर जा रहे से लेंगे, मर जा रहा जो बिलाव है वो क्या क्या करता है? मर जा रहे को मर जा रहा खादती, फिर मर जा रहा है पटती होता है नहीं ना? नो, मर जा रहा है पटता भी नहीं होगा। नो मैम। मर जा रहा है हंसती भी नहीं होगा। नो मैम। मर जा रहा है पश्यते भी नहीं होगा, क्योंकि मर जा रहा है एक वचन है, पश्यते यहाँ पे द्विवचन है, अपने को एक वचन के साथ एक वचन ही लेना है ना? मर जा रहा है पिबती, ये बन सकता है? होगा, हाँ होगा, तो मर जा रहा है पिबती। फिर मर जा रहा है पिबता नहीं होगा, क्योंकि पिबता है शब्द द्विवचन में है, धावते भी द्विवचन में है, मर जा रहा धावती है ना, धावती दौड़ता है, मर जा रहा
धावती है ना। लिख लिया बेटा आपने ये सब? यस मैम। यस, अब हम बनाएंगे। बेटा लास्ट कॉपी में लिख लीजिए आप अभी, फिर बाद में हम क्लियर कॉपी में करेंगे, ठीक है। वानरम, वानरम मतलब दो बंदर। अब वानरम द्विवचन में है तो हम धातु भी कौन सी लेंगे? द्विवचन में, ठीक है। वानरम खादती, क्योंकि यहाँ पे खादती एक वचन है तो इसके साथ नहीं आएगा। वानरम पटती भी नहीं होगा, वानरम पटता भी नहीं होगा। वानरम हस्ती भी नहीं होगा क्योंकि हस्ती एक वचन में है। वानरम पश्यत है, हाँ दो बंदर देखते हैं। पश्यत है मतलब देखना। वानरम पश्यत, दो बंदर देखते हैं। फिर वानरम पिबती नहीं होगा, वानरम पिबत, दो बंदर पीते हैं। बन सकता है ना सेंटेंस? वानरम पिबत। नेक्स्ट, वानरम धावते है, दो बंदर दौड़ते हैं। ये भी बन सकता है सेंटेंस? बन सकता है ना बेटा? वानरम यस मैम धावता। फिर वानरम धावती नहीं बनेगा, वानरम प्रचते भी नहीं बनेगा। युद्ध बंदर क्या पूछते है? बंदर पूछते नहीं है ना, तो क्यों मैम? हाँ, अब नेक्स्ट है बालकौ। दो बालक, बालकों का अर्थ है दो बालक। दो बालक क्या क्या काम करते हैं बताओ इसमें से? बालकौ बालकौ पटता, वेरी गुड। फिर और बालक क्या करते हैं? पश्यत भी आ सकता है, दो बालक देखते हैं। बालकौ पश्यत, दो बालक देखते हैं। नेक्स्ट, बालकौ पिबतः, दो बालक पीते हैं। बन सकते हैं ना बेटा सेंटेंस? नेक्स्ट, बालकौ धावतः, दो बालक दौड़ते हैं। नेक्स्ट, बालकौ पृछता है, दो बालक पूछते हैं। ये भी बन सकता है सेंटेंस? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? बंदर खादती। चलो कोई बात, अब नेक्स्ट करेंगे अपन। नरह, नरह एक है, मनुष्य है, आदमी है ना, तो मनुष्य क्या क्या करता है? इसके साथ सारे एक वचन के लगाएंगे। नरह खादती, नरह खादती, नरह पटती, मनुष्य पढ़ता भी है। यस मैम। फिर एक वचन में नरह हस्ती, वेरी गुड। हाँ एक सेकंड बेटा, नरह हस्ती, नरह नरह धावती। देखो कितने सारे सेंटेंस बन गए ना। मैम ये सारे हम कॉपी में कर ले? हाँ कर लो बेटा। मैम ओके मैम, मैम इनमें ओनली वचन का ध्यान रखना जरूरी है ना? यस बेटा, वचन और धातु, कौन से वचन है यहाँ पर कर्ता में, उसके हिसाब से आपको धातु लगानी है। अगर यहाँ पर एक वचन है तो एक वचन के साथ एक वचन की धातु लगेगी, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। ये okay.
वो काम करता है या हाँ, करती हाँ जी या फिर नहीं करता है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन में सुधार करके लिखिए। कर्ता, कर्ता कौन सा हो गया, जो हम जो आदमी काम करने वाला है, जैसे यहाँ पे गायक शब्द है कर्ता और गायता है, गायता क्या है धातु क्रिया, ठीक है ना, तो अपने को किसको कर्ता के अनुसार क्रिया को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गायक, गायका एक वचन में है तो इसके साथ धातु कौन सी लगेगी, गायती। पिकऊ, पिकऊ द्विवचन में है तो क्या आएगा, पिकऊ कूजता है, पिकऊ कूजता है, वेरी गुड। पिकऊ द्विवचन में है तो इसके साथ आएगा कूजता है। नेक्स्ट कपोतऊ उत्पत्ति, कपोतऊ शब्द द्विवचन में है, कपोतऊ उत्पत्तः, कपोतऊ शब्द द्विवचन में है तो हम धातु भी द्विवचन में लगाएंगे, उत्पत्तः। मीनः तरति, मीनः तरतः, मीनः एक वचन में और तरतः द्विवचन में है तो अपने को धातु किसमें करनी है, एक वचन में। मीनः तरति, मीनः मतलब मछली, तरती मतलब तैरती है, मछली तैरती है। नेक्स्ट मकरौ अस्ति, मकरौ मतलब दो मगरमच्छ, मकरौ बोलते हैं मगरमच्छ को, तो दो मगरमच्छ, मकरौ इस्त, क्या बोलेंगे इस्त, मकरौ इस्त। नेक्स्ट अश्वौ धावती, हाँ बताओ, अश्वौ धावतः, वेरी गुड, अश्वौ, अश्वौ द्विवचन में है तो इसके साथ आए ना धावतः। आ गया समझ में बेटा, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा मैं आपको पिक भेज दूंगी पर आंसर की। नेक्स्ट क्रिया के अनुसार कर्ता के वचन में परिवर्तन करके शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। अपन ने अभी क्या किया था, अपन ने कर्ता के अनुसार क्रिया को चेंज किया था, अब अपने को क्रिया के अनुसार कर्ता को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पिकऊ द्विवचन में है, कूजती एक वचन में है, तो अपने को क्रिया के अनुसार, क्रिया में कूजती एक वचन है तो पिकऊ का एक वचन क्या होगा, पिकह, पिकह, सॉरी ये तो लिखा हुआ है ना आपके पास यहाँ पे, पिकह कूजती, ठीक है। अश्वह धावतः, धावतः शब्द क्रिया में द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में अश्वौ धावत, द्विवचन में हो जाएगा अश्वौ धावतः, धावतः द्विवचन में। गजौ चलती, चलती शब्द क्या है एक वचन में, गजः चलन्ति, बेटा गजः चलती, चलन्ति नहीं होगा, चलती एक वचन, हाथी चलता है। कुकुर है बुभुक्तः, कुकुरौ भुक्तः, नेक्स्ट मूर्खौ चिंतयति, मूर्खौ शब्द द्विवचन है तो मूर्खः, चिंतयति मूर्ख चिंता करता है सोचता है। शिक्षकः कथयतः, तो क्या हो जाएगा शिक्षकौ, दो शिक्षक कहते हैं, शिक्षकौ कथयतः। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, मैम चैप्टर हो कंप्लीट हो गया ना बेटा, यस मैम, ओके मैम, ओके बेटा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको दोबारा मैम व्हाट वाज टुडेस होमवर्क, मैम इन आंसर स्पेस देना, यस मैम आंसर दे देना मैम, व्हाट इज टुडेस होमवर्क।